हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर आए हो देन आई एम इंद्राणी रॉय। सो आज के वीडियो में मैं इस मेकअप लुक को क्रिएट करने वाली हूँ। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को कर लूंगी। इसके बाद मैं कंसीलर से आईलिड को प्राइम करूंगी और बहुत ही लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे। ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने से क्रीजिंग का चांस बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ आईलिड को सेट करने के लिए। ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने से आईलिड केकी लगने लगेगा। अभी मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से एक डार्कर ब्लू कलर को अप्लाई कर रही हूँ आईलिड पे। दिस इज नॉट एट ऑल पिगमेंटेड, क्योंकि देख रहे हो मैं कितने तरीके से यूज करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। सो अभी मैं मार्स के आई शेडो पैलेट से यहाँ पे डार्क ब्लू कलर को अप्लाई कर रही हूँ। सो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है देखने में। इस ब्लू कलर को मैं आईलिड पे कैसे अप्लाई कर रही हूँ आप लोग देख पा रहे हो, और एंड के पार्ट पे आउटर वी पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे विंग की तरह छोड़ रही हूँ। अभी मैंने टील ब्लू कलर को लिया है और उसे इनर पार्ट पे अप्लाई कर रही हूँ मिडिल पार्ट से लेके। और फिर मेरे जो ब्रश पे डार्क एक कलर लगा हुआ था ब्लैक, वही मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी की तरफ, ताकि ये ब्लू कलर थोड़ा सा डीप दिखे। और फिर मैंने आउटर वी की तरफ एक डार्क ब्लू ग्लिटर को अप्लाई किया है, और इसे अप्लाई करते टाइम मैंने कोई भी ग्लू का यूज नहीं किया है। और अभी मैं एक कॉटन बॉल से आउटर वी की तरफ थोड़ा सा क्लीन किया है। एक्चुअली पूरे फेस को ही क्लीन किया है मैंने, क्योंकि मैं अभी बेस मेकअप करने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ पे आईलैश अप्लाई कर लिया है, और लैश बैंड को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइनर भी यूज़ किया है। मैंने गुड वाइब्स के रोज़ ग्लो टोनर से अपने फेस को क्लीन किया था, और गुड वाइब्स का ही ग्रेप सीड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसे अच्छे से फेस पे मसाज करने के बाद अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ लोटस का प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और स्किन को बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है। सो यहाँ पे मैं फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 228। ये जो शेड है ये वाइटिश मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, और इसमें येलो अंडरटोन है। सो ये येलो अंडरटोन के पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये एक मैट फाउंडेशन है, सो इसे अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। और फिर मुझे लगा कि और थोड़ा सा कवरेज चाहिए मुझे, इसलिए मैं फिर एक और बार थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मेरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे एंड अंडर आई पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये एक येलो टोन वाला कंसीलर है जो मेरे अंडर आई को अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है, और ईजिली ब्लेंड भी होता है, इसलिए मुझे ये जो कंसीलर है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कंसीलर को ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, इसे टैप टैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कंटूरिंग पैलेट है, इसको मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से सेट कर देता है ये कंसीलर को, और पाउडर लगाने के बाद ये मैटिफाइंग कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी ऑयली नहीं लगता है देखने। सो अभी मैं इनर कॉर्नर पे एक येल्लो कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये एक ऑरेंजिश काइंड ऑफ येल्लो है, और लोअर लैश लाइन पे उसी डार्क ब्लू कलर को अप्लाई कर रही हूँ। सो अभी मैं NYB के कॉन्टोर स्टिक से अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, और फिर इसके ऊपर मैंने पाउडर कॉन्टोर का भी यूज़ किया है। इससे क्या होता है, आपके पाउडर कॉन्टोर को एक बेस भी मिल जाता है, और जो क्रीम कॉन्टोर है वो आपके फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी रखता है, और क्रीम कॉन्टोर ज़्यादा देर तक स्टे करता है आपके फेस पे। अभी मैं अपने स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से एक पिंक कलर को अप्लाई करूँगी अपने चीक्स के।
मैं यहाँ पे अपने हाथ पे अप्लाई कर रही हूँ पहले, और फिर जो बच रहा है ब्रश पे उसे अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर सेटिंग स्प्रे के बाद हाइलाइटर अप्लाई किया जाए तो हाइलाइटर आपके फेस से अच्छे से स्टिक हो जाता है। अभी मैं एलेटिन का एक पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और फिर उसके बाद NYB का एक लिक्विड लिपस्टिक जो कि फूशिया कलर का है वो भी अप्लाई करूँगी। और अभी जो कलर आया है ये परफेक्ट है मेरे आई मेकअप के हिसाब से। सो गाइस, दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा, स्पेशली आई मेकअप।